हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम BHEL के शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं। आज डेफिनेटली लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी जो है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो है वो आपको आती हुई देखने को मिली है इस काउंटर के अंदर। और अगर आप 82 रुपीज़ का लेवल ये शेयर तोड़ेगा तो डेफिनेटली बड़े ब्रेकआउट आपको इस काउंटर बनते हुए देखने को मिलेंगे। प्लस दोस्तों, 3 दिन बाद, जी हाँ, 26 को कंपनी के रिजल्ट्स आउट होंगे। रिजल्ट्स पर बात करेंगे, रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे, एंड क्या होंगे 24 मई के टारगेट, यानी कल के टारगेट। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, 26 मई 2023 कंपनी अपने ऑडिटेड रिजल्ट्स पेश करती हुई देखने को मिलेगी। और अगर अपन डिविडेंड की बात करें तो 15 सितंबर को लास्ट टाइम कंपनी ने डिविडेंड दिया था। अगर इस बार अच्छे रिजल्ट्स आए कंपनी को, डेफिनेटली डिविडेंड भी मिल सकता है। बट यहां पर एजेंडा में अगर डिविडेंड देना होता कंपनी को तो यहां पर लिखा हुआ आता है ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड इंटरिम डिविडेंड, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो चांसेस काफी कम है डिविडेंड के, बट अगर अच्छा रिजल्ट कंपनी पेश करती है तो होप सो डिविडेंड भी कंपनी आपको देती हुई देखने को मिले। अगर अपन बात करें दोस्तों आज के दिन के चार्ट्स की, तो यहां पर आप देखिए 2.3% अप आज इंट्राडे में शेयर हो गया था 9:35 से 1:35 के बीच में। लेकिन फिर मार्केट में जैसे ही हायर लेवल से बिकवाली आई, ये शेयर भी गिरता हुआ देखने को मिला। लगभग हाई से आज 1% स्टॉक में नीचे क्लोजिंग आई है। तो कल के दिन डेफिनेटली ये लेवल देखना होगा आपको 81.20-81.30 का। अगर ये लेवल शेयर ने इंट्राडे में तोड़ दिया तो ज़रूर दोस्तों एक बड़ा ब्रेकआउट आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट की बात करें तो आज डेफिनेटली चारों के चारों इंडेक्स पॉजिटिव में थे, बट यहाँ पर निफ्टी में आज हाईर लेवल से लगभग अगर अपन देखेंगे तो लगभग 60 पॉइंट्स की गिरावट आई है। एंड बैंक निफ्टी भी हाईर लेवल से लगभग 200-250 पॉइंट्स हल्का होता हुआ देखने को मिला है। अगर अपन एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1050 शेयर्स नेगेटिव में थे और लगभग 980 शेयर्स के आसपास नेगेटिव में थे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज बुल्स का फेवर रहता हुआ देखने को मिला है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो यही कर रहा है। एंड अगर अपन बात करें स्टॉक के वॉल्यूम की, तो आज 13 मिलियन की वॉल्यूम भेल के शेयर में आई है और 1.15 रुपये ऊपर इस स्टॉक ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। अगर अपन FNO डेटा की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं आज स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग होती हुई देखने को मिली है। 10 ब्लॉक डील भी दोस्तों आज इस काउंटर के अंदर होती हुई देखने को मिली। और अगर आप देखेंगे अभी करंटली मात्र 12% ये काउंटर नीचे ट्रेड कर रहे हैं अपने 52 हफ्तों के हाइस से। और हमने लेवल्स भी आपको क्लियरली बता दिए, एक बार अगर 88 के ऊपर ये शेयर निकल गया, 88-82 के ऊपर, 82 का पहला लेवल होगा उसके बाद 88 का लेवल होगा, ये दोनों लेवल अगर शेयर तोड़ देगा तो डेफिनेटली दोस्तों मिनिमम तो मिनिमम 94-98 तक की जगह बनती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी मेरी यही सलाह है जिनके पास भी ये शेयर है, इस काउंटर को आप होल्ड करके रखिए। रिजल्ट्स के बाद अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो रिजल्ट्स के बाद चांसेस आर वेरी हाई कि स्टॉक में आपको बड़ा मोमेंटम होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अपन स्टॉक के इंट्राडे रेंज की बात करें तो यहां पर आप देखिए 81.20 का आज का इंट्राडे हाई है और यही कल का रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस कल के दिन स्टॉक ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 82-83 तक की जगह बन सकती है इस काउंटर के अंदर। अगर अपन बात करें कंपनी के स्टैटिस्टिक्स की, तो 76 की कंपनी की बुक वैल्यू है एंड 2.24 रुपये की कंपनी की EPS है। तो डेफिनेटली कंपनी की EPS में अगर ग्रोथ आएगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा Q-on-Q बेसिस पर, YOY बेसिस पर, तो ज़रूर दोस्तों इस स्टॉक में तेज़ी होगी। एंड अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजरली यहाँ पर 82 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है। 82 रुपीज़ का रेजिस्टेंस अगर क्लियर करेगा स्टॉक तो डेफिनेटली 83-84 की जगह बनेगी। आफ्टर दैट 88 का रेजिस्टेंस होने वाला है। एंड ओवरऑल अगर अपन बात करें इस काउंटर में खरीदारी या बिकवाली की, तो उसके लिए दोस्तों स्टॉक के चार्ट्स पर चलिएगा 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्टॉक के चार्ट्स पर आ गया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 88 रुपये के लेवल से स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। 88 रुपये का लेवल छुआ स्टॉक ने, गिरावट करी, 80 का लो बनाया, फिर 84 का ये बनाया, फिर गिरावट करी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लेवल जो है 84 और 88 का, वो लेवल अगर एक बार शेयर क्लियर करता है तो डेफिनेटली ब्रेकआउट होगा। और ख़ास तौर पर बड़ा ब्रेकआउट की अगर बात करें, बिग ब्रेकआउट की अगर बात करें, तो बिग ब्रेकआउट तभी आएगा जब ये शेयर 88 का लेवल तोड़ेगा। एक बार अगर 88 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक की प्रोविजनल क्लोजिंग आ गई तो ज़रूर दोस्तों बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो प्रीवियस हाई था, जी हाँ, 91-92 का जो प्रीवियस हाई था, वो हाई ये स्टॉक आपको टच करते हुए दिखा सकता है। तो अभी मेरी यही सलाह है कि इस काउंटर में आप बने रहिए, रिजल्ट्स का वेट करिए। रिजल्ट्स अगर अच्छा है तो डेफिनेटली हायर साइड पर ये स्टॉक अच्छे स्विंग दे सकता है और मुझे लगता है कि नियर टर्म में स्टॉक लगभग 85-90 तक के लेवल्स आसानी से दिखा सकता है। तो दोस्तों एडिट और वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।